और अब खबर बिजनौर से, जहां परिवहन मंत्री ने औचक निरीक्षण किया। जी हां, परिवहन मंत्री अशोक कटारिया जिनके औचक निरीक्षण करने की खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि रोडवेज बसों का उन्होंने निरीक्षण किया है। बस में यात्रियों के बीच मंत्री को देखकर रोडवेज कर्मचारियों में हड़कंप समझ गया। मंत्री जी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत भी दी है और बस यात्रियों को भगवान के समान वो कहते नजर आए। जी हां, ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, किस तरह से परिवहन मंत्री अशोक कटारिया अचानक से एक रोडवेज की बस में जा पहुंचे। वहां जाकर बस में उपस्थित यात्रियों से बातचीत करने लगे और जब बस के ड्राइवर को, संबंधित अधिकारियों को पता चला कि कैसे मंत्री जी अचानक से औचक निरीक्षण करने के लिए वहां पहुंच गए, यात्रियों से बातचीत कर रहे हैं, तो वहां हड़कंप समझ गया। इस दौरान अपनी बात में परिवहन मंत्री जनता को भगवान के समान बताते दिखे, यानी कि यात्रियों को भगवान के समान उन्होंने बताया और संबंधित अधिकारियों को लापरवाही ना बरतने की किसी भी मामले में सख्त हिदायत दी। फैजल खान हमारे साथ, हमारे संवाददाता बिजनौर से और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। फैजल, क्या कहा जाए, परिवहन मंत्री का ये औचक निरीक्षण क्या कुछ निकल कर सामने आया, कैसा रहा ये निरीक्षण? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, परिवहन मंत्री अचानक एक निरीक्षण करते हैं, ये एक चर्चा का विषय बना रहा और बिजनौर में एक अलग माहौल बन रहा है, क्योंकि बिजनौर के निवासी हैं तो कटारिया जी हैं जो परिवहन मंत्री हैं, इन्होंने औचक निरीक्षण करके ये जाना कि क्या बस यात्री को कोई परेशानी तो नहीं करते, कंडक्टर कोई हानि तो नहीं पहुंचाते, या कोई समय का तो नष्ट नहीं कराया जाता। हर चीज की जानकारी अचानक लेने से बिजनौर में अलग माहौल बन गया। ऐसे में जानकारी ये भी सामने आ रही है कि वहाँ हड़कंप समझ गया था, क्या डरे सहमे हुए थे कहीं कोई उनकी पोल ना खुल जाए, कोई यात्री कुछ बता ना दे? बिल्कुल बिल्कुल, और बात यह है कि जो मंत्री जी हैं वो नाइट सूट पे गए, ना कि ये बता के कि मैं मंत्री हूँ, और अचानक पूछते हैं तो उसमें भी हड़कंप मचने की एक जाहिर सी बात है कि अचानक आदमी आता है और पूछता है कौन है क्या है, बड़ा सवाल है। फिर वो अपना आप बताते हैं कि मैं मंत्री हूँ, और ये जनता को बता रहे हैं कि जनता हमारे लिए एक अलग ही महत्व है, जनता का, हम जनता के नौकर हैं, जनता के लिए सेवा करेंगे, तो एक अलग माहौल बना और हड़कंप मचा। फैसल ये बताए कि जब परिवहन मंत्री अचानक से इस तरह से जनता के बीच वहां पहुंच गए, यात्रियों से बातचीत करनी शुरू कर दी, तो यात्रियों की तरफ से इस दौरान क्या कुछ कहा गया, किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई, क्या कोई कंप्लेंट भी आई है? यात्रियों का कहना साफ दिखाई दे रहा था कि योगी सरकार अच्छा काम कर रही है और योगी सरकार के जो मंत्री हैं परिवहन मंत्री अशोक कटारे, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार इसी तरीके से काम करती रही तो आगे भी बनी रहेगी। यानी कि यात्रीगण खुश नजर आए परिवहन मंत्री के कामकाज से भी, संबंधित अधिकारियों से भी। बहुत शुक्रिया आपका फैसल खान हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी को, इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो बस में यात्रियों के बीच जब मंत्री जी पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने औचक निरीक्षण किया, तो सब कुछ उन्हें अच्छा अच्छा सुनने को मिला, यात्रियों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी, खुश थे वो परिवहन मंत्री के काम से भी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से अपने मंत्रियों से काम करवा रहे, संबंधित अधिकारियों से काम करवा रहे हैं सख्ती के साथ, उन्हें हर चीज से निपटने की हिदायत समय समय पर देते रहते हैं, लापरवाही ना बरतने की हिदायत देते रहते हैं, उससे यात्रीगण खुश दिखें।